देश के 10 मजदूर संगठन जिसमें इंटक है, एटक है, एचएमएस है, सीटू है, एआईसीसीटीयू है, टीयूसीसी है, यूटीयूसी है, ऑल इंडिया यूटीयूसी है, और दूसरे जितने भी लाइक माइंडेड जितने मजदूर संगठन हैं वो भी सब साथ में हैं। और क्योंकि हमने सरकार को कई दफ़ा पत्र लिखे हैं और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे हैं, परंतु सरकार जो है वो बिल्कुल एक ही एजेंडे पे अपने आप को सेट किए हुए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके लिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनके लिए ऐसे नियम बना रहे हैं कि वो बिजनेस के अंदर मजदूर के जितने भी अधिकार हैं जो संघर्ष के बाद हमने प्राप्त किए हैं उनको एक एक करके वो ख़त्म करने पे लगी है। 44 श्रम कानूनों को वो उन्होंने ऑलरेडी एजेंडा पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि मैंने देश के 44 मजदूर संगठनों मजदूर जो फेवर के जो लेबर फ्रेंडली लेबर लॉज हैं उनको ख़त्म करके प्रो कॉरपोरेट हाउस मालिकों के हित में 4 कोड बनाए हैं। एक कोड उन्होंने वेज कोड को पास कर दिया है लोकसभा राज्यसभा से, अभी दूसरा जो सोशल सिक्योरिटी का है 15 एक्ट को मर्ज करके लाने लेके आ रहे हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड ट्रेनिंग का जो है ये भी अभी ये पार्लियामेंट में नवंबर में पेश करने जा रहे हैं। परंतु सरकार बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ 100% FDI कोले को जितनी खदानें उनको बेचने जा रही है, रेलवे के अंदर 100% गाड़ियाँ प्राइवेटाइज करने जा रही है, डिफेंस के अंदर सारे फैक्ट्रीज हैं उनको भी वो विदेशी हाथों में देने के लिए जा रही है। तो इस तरीके बैंकों का मर्जर शुरू कर दिया है, उधर प्राइवेट विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां आ रही हैं, और बिजली को तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ प्राइवेटाइज पहले गवर्नमेंट कर गई थी, ये भी करने पे लगे हुए आमादा हैं, और रोडवेज ऑलरेडी इन्होंने सारा प्राइवेटाइज किया हुआ है, एयरवेज ऑलरेडी सारा प्राइवेटाइज किया हुआ है, एयर इंडिया को भी अभी ये बोली पे लगाने जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर देश का जो 50 करोड़ वर्कर है उसके हित में बिल्कुल सरकार काम नहीं कर रही, उनके बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम सरकार से फिर डायरेक्ट सड़कों पर आकर अपने गुस्से को जाहिर करें। तो हमने फैसला किया है कि 30 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा, और उस प्रदर्शन के अंदर अगर सरकार ने हमारे से कोई वार्ता करके समझौता नहीं किया तो हमारे को भी फिर पूरे देश के अंदर एक बड़ी संघर्ष की तैयारी जो हमने की रखी है उसका सरकार को सामना करना पड़ेगा। और अभी कोल की जो है कल एक दिन की हड़ताल है, डिफेंस वालों ने 30 दिन की हड़ताल पर गए थे, 5वें दिन उनके साथ वार्ता की है, और रेलवे वाले भी तकरीबन सारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट हैं वो बिल्कुल आग के ढेर के ऊपर बैठी हुई हैं, कभी भी वहाँ पर जो है काम बंद हो सकता है। हम देश का कोई भी नुकसान करके राजी नहीं है, हम कोई काम बंद करके राजी नहीं है, परंतु सरकार जो है वो हमारे को मजबूर कर रही है, हमारे को प्रवोक कर रही है कि हम डायरेक्ट एक्शन पर जाएं, जो देश के हित में नहीं है, इंडस्ट्री के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है और आम नागरिक के हित में नहीं है। मौजूदा सरकार को लेकर आप पिछले 5 वर्षों से घेरते आ रहे हैं, सरकार दोबारा पुनः केंद्र में आई है, सत्ता में आई है, इसके बावजूद आप लोग कई बार प्रदर्शन कर लिए, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा देखिए, सरकार का कोई काम काज का कहीं पर भी किसी भी नागरिक ने एनालिसिस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इसको देश के एक राष्ट्रीयता के ऊपर, नेशनलिटी के ऊपर ले गए हैं कि पाकिस्तान ने हमारे अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में और हमने बालाकोट में जाकर उनको मार दिया उनके घर में जाकर, और इसी के ऊपर लोगों को उन्होंने सेंसिटाइज किया है, इमोशनल ब्लैकमेल किया है, और उनके पिछले 4 साल का कोई भी जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, जो वायदे किए थे देश की जनता को कि 2 करोड़ नौकरी का सृजन करेंगे, डिसेंट जॉब देंगे, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री को बेचेंगे नहीं, और देश के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, जितनी चोर बाजारी है उसको बंद करेंगे, काला धन को वापस लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इनके ऊपर कहीं पर कोई किसी टीवी के अंदर चर्चा नहीं हो। और टीवी जो है वो आजकल बिल्कुल PR का काम कर रहे हैं सरकार का, और इस वजह से देश के नागरिक के पास सही सच्चाई को जाने नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही इशू के ऊपर इन्होंने पुलवामा और बालाकोट के ऊपर सारे चुनाव को, देश के आम नागरिक को, इमोशनल हिंदू मुस्लिम सोसाइटी को डिवाइड करके और ये सरकार बनाने का काम। क्या लगता है कि आप संगठन को, आप जैसे फेडरेशन को सड़कों पर उतरने से यह आवाज़
सरकार तक जाएगी क्या? आपकी आवाज सरकार मानेगी? आपकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी? देखिए, हमें पूरा भरोसा है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, हमारे देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है उसके अंदर आम नागरिक के अगर हकों की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो ज़्यादा देर तक लोगों को झूठ बरगला कर राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ज़्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाएंगे। अंततः देश का आम नागरिक समझेगा इस बात को और इनको फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। जहाँ इनकी पोजीशन है वहीं पर ये आकर खड़े होंगे।